आगे चलते हैं। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर की बात करता हूँ, तो प्रीवियस लेक्चर में अपन लोगों ने देखा था कि दो वेक्टर होता है, उसको अपन लोग पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से किस तरीके से ऐड करते हैं। और बेसिकली अपन लोगों ने एक मैथमेटिकल अप्रोच देखा था। उस मैथमेटिकल अप्रोच में अपन लोगों ने ये देखा था कि अगर दो वेक्टर है और अगर उनको मैथमेटिकल अपन लोग ऐड करते हैं, तो बेसिकली वहां पे जो आपका फॉर्मूला निकल के आया था वो आया था आर बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। अच्छा, इतनी कहानी मेरे को पता है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ किसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ अगर मैं यहाँ पे एंगल की बात करता हूँ, जैसे मैंने बोला था टेन अल्फा, तो वो क्या निकल के आया था बेटा आपका? बेसिकली वो निकल के आया था आपका बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आपका ए प्लस बी कॉस थीटा। इस तरीके से अपन लोगों ने वहां पे देखा था कि किस तरीके से आपका एडिशन हो रहा था। बेटा आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली लिंक ही है पुराने टॉपिक से, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात बोलता हूँ यहाँ पे बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, तो अपन लोगों ने ये भी देखा था कि अपन लोगों ने ग्राफिकल अप्रोच देखा था कि किसी भी दो वेक्टर को जो अपन लोग माइनस करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। देखिए एक बार मैं आपको क्विक रिकैप देता हूँ जल्दी जल्दी से। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ट्राइंगल लॉ की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बेटा आपका ट्राइंगल लॉ की बात करता हूँ। और यहाँ पे मैं बेसिकली बोल देता हूँ कि आप लोगों को रिजल्टेंट निकालना है, आर वेक्टर को निकालना है, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, ये सारा तरीका मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ पे इसका कौन सा आता है ट्राइंगल लॉ में? ये आता है हेड, और इसके किससे जुड़ता है बेटा आपका टेल से जाके अपन लोग जोड़ देते हैं इन अ सेम सेंस। सेम सेंस का मतलब एक ही मैनर के अंदर। देखना ए वेक्टर को यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसको शिफ्ट कर दिया पैरेलली, यहाँ पे आ जाएगा ए वेक्टर। अब मेरे को आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि पैरेलली किस तरीके से शिफ्टिंग होती है। अच्छा बी को यहाँ पे ले आते हैं तो इसका हेड हो गया, इसका टेल हो गया, कुछ इस तरीके से ये आपका आ गया आपका बी वेक्टर। अच्छा अब मेरे को एक बात बताइए, बेसिकली मेरे को करना क्या, माइनस करना है, तो इसका एक माइनस ले लूंगा। माइनस का मतलब आपका नेगेटिव वेक्टर, इतनी की इतनी लेंथ का अपोजिट के अंदर मैं क्या बना दूंगा, एक वेक्टर बना दूंगा जिसकी डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होगी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज उसकी फिजिकल क्वांटिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो हो जाएगा आपका माइनस बी वेक्टर। तो बेसिकली अपन लोगों को क्या ऐड करना है, बेसिकली अपन को ए प्लस माइनस ऑफ बी ऐड करना है, मतलब अपन लोगों को क्या करना है सब्ट्रैक्शन करना है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये आ जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, और यहाँ आ जाएगा आपका नेगेटिव डायरेक्शन के नीचे धीरे 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 नीचे, और ये आ जाएगा आपका माइनस ऑफ बी वेक्टर। अच्छा ये एक सेम सेंस में होना चाहिए, मतलब एक सेम क्या होना चाहिए, सेम मैनर में होना चाहिए। पहले ये आप इसका हेड फिर इसका टेल, और ये कुछ इस तरीके से घूम रहा है, तो आपका जो अपोजिट आएगा वो क्या जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या जाएगा बेटा, आपका रिजल्टेंट आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर। कुछ इस तरीके से अपन लोगों ने चीजें सीखी थी, और अपन लोगों ने ये भी देखा था पैरेललोग्राम लॉ से सब्सट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, वो भी अपन लोगों ने देखा था। अपन लोग उसकी भी बात कर लेते हैं। देखना बेटा अगर ये आपका कुछ इस तरीके से, तो अपन लोगों को क्या करना है, बेसिकली अपन लोगों को सब्ट्रैक्शन करना है विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम से। तो देखना अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को ऐसा बोलता हूँ कि यहाँ पे इसको यहाँ शिफ्ट करता हूँ, ये आपका मैंने इस तरीके से शिफ्ट कर दिया, और जब मैं पैरेललोग्राम की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाता है, अपन लोग टेल से टेल की बात करते हैं, मतलब इसका ये टेल और इसका ये वाला टेल अपन को क्या करना है, अपन लोगों को जोड़ना है। तो बेटा बेसिकली अगर मैं इसको ऐसे टिचिक 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 करके यहाँ पे जोड़ देता हूँ, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कुछ इस तरीके से ऐसा, और ये धीरे 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 आपका इसी की लेंथ, ये बराबर इसकी जो लेंथ है यहाँ बराबर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ बी वेक्टर कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका ए वेक्टर। अच्छा मेरे को ये पता है कि जब अपन लोग दोनों को टेल टू टेल मिला लेते हैं, तो यहाँ पे अपन लोग एक चीज फाइंड करते हैं, या फिर अपन लोग कंप्लीट पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। तो देखना यहाँ पे आप लोग पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लीजिए कुछ इस तरीके से ऐसा, और इस तरीके से ये आपका ऐसा। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान से देखते रहना। अब देखना ये आ गया, अब जब पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाता है तो आपका कॉमन टेल होता है, कौन सा टेल बेटा आपका कॉमन टेल। इस कॉमन टेल से अपन लोग क्या निकालते हैं, एक रिजल्टेंट निकालते हैं जो आपका कुछ इस तरीके से निकल के आ जाता है। तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपका, ये आपका आ जाएगा रिजल्टेंट, इसको बोल देंगे आपका ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर। कुछ इस तरीके से अपन लोगों ने क्या देखा था, ये ग्राफिकल अप्रोच देखा था। अब देखो ग्राफिकल अप्रोच तो अपन लोगों को समझ में आ गया ये होता है, लेकिन एक बात बताना, अगर मैं यहाँ पे अपने जो कल फॉर्मूला निकालता उसी तरीके से फॉर्मूला निकालने की बात बोलता हूँ तो कैसे आएगा? यार एक सपोज कर लीजिए यहाँ पे जो आपका कुछ इस तरीके से वेक्टर पोर्शन है, यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे ये आपका ए वेक्टर है, यहाँ पे आपका क्या है बी वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर, यहाँ पे ये आपका ए वेक्टर, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा आपका थीटा है, कितना है बेटा आपका थीटा है। तो एक काम करते हैं, मेरे को यहाँ पे नेगेटिव निकालना, तो मैं यहाँ पे ऐसे कर दूंगा, यहाँ पे इसी वी को उल्टा करके ऐसे लिखाऊंगा तो आपको ये दिखेगा। एक बात बताना अगर मैं यहाँ पे ये वाला बी को ऐसे दिखाता हूँ, कैसे दिखाता हूँ, ऐसा दिखाता हूँ, तो बेटा एक बात बताना ये टोटल जो एंगल है यहां से लगा के यहां तक वो कितना है बेटा आपका 180 डिग्री, मतलब आपका पाई। तो
तो यार एक बात बताओ, अगर ये आपका थीटा तो ये कितना बचेगा, ये वाला रिमेनिंग पोर्शन जो बचेगा वो बेसिकली बचेगा बेटा आपका पाई माइनस थीटा। कितना जाएगा बेटा आपका पाई माइनस थीटा, और इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है, इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो कैसा जाएगा, अगर मैं ए माइनस बी निकालता हूँ तो ये आपका ऐसा जाएगा। मतलब अगर मैं इसको पैरेललोग्राम यहाँ से ऐसे कंप्लीट कर देता हूँ तो फाइनली आपको कुछ इस तरीके से ये मिल जाएगा। पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया, ये आपकी कॉमन टेल से आप लोगों ने मिला दिया, आपको मिल जाएगा रिजल्टेंट। ये आपका क्या आ जाता है, रिजल्टेंट आ जाता है। जहां पे एंगल क्या है बेटा आपका, एंगल है बेटा आपका पाई माइनस थीटा। अब अपन लोगों को करना क्या है, अपन लोगों ने जो कल फॉर्मूला निकाला था, डेराइव किया था, उसी फॉर्मूले का यूज करके अपन लोगों को ए माइनस बी के लिए भी क्या निकाल लेना, फॉर्मूला निकाल लेना है। तो अपन लोग उसके ऊपर ही चर्चा करेंगे, देखना बहुत आराम से सीखते रहना बेटा, यहाँ पे डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखिए अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोल दूं कि अगर ए प्लस बी की बात करते हैं, उसके लिए रिजल्टेंट की क्या फॉर्मूला आता था, ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर प्लस आपका टू ए बी, यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका कॉस थीटा, ये आपका कुछ इस तरीके से आता था। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे जो थीटा वो कितना आ रहा बेटा, इन दोनों के बीच के अंदर एंगल कितना है बेटा, ये ए वेक्टर, ये आपका माइनस बी, यहाँ पे पाई माइनस थीटा, तो थीटा की वैल्यू पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे पाई माइनस थीटा की जो वैल्यू है, अगर मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे आर बराबर आएगा, आर बराबर आपका ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर प्लस आपका टू ए बी कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, यह आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। अब देखना यहाँ पे अपन लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए बाई मैथमेटिक्स कि जो आपका कॉस जो होता है पाई माइनस थीटा, वो आ जाता है आपका माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो यहां पुट कर दीजिए तो आपका आर वेक्टर बराबर आपका ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर बराबर आपका क्या आ जाएगा बेटा, आपका इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर प्लस आपका, या फिर यहां माइनस लिख देते हैं, माइनस आपका टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। मस्त वाला काम हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा आपका रिजल्टेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा आपका रिजल्टेंट आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा, ये आपकी कहानी कंप्लीट। तो बेसिकली यहाँ पे जब आप लोग ए माइनस बी की बात करते हो तो आपका जो रिजल्टेंट आता है वो आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। जहां पे आपका जो थीटा होता है वो क्या होता है, ए और बी के बीच के अंदर क्या होता है, एंगल होता है। क्या होता है बेसिकली बेटा आपका, ए और बीच के बीच में आपका एंगल। एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, देखिए अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा और आगे बताता हूँ, आगे क्या बताता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ टेन अल्फा की, तो कल जो टेन अल्फा का जो फॉर्मूला आ रहा था ना, वो क्या आ रहा था, वो आ रहा था आपका बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आपका ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। यहां पे अपनी थीटा की वैल्यू क्या लिखनी है, थीटा बराबर आपका पाई माइनस थीटा, यही लिखना है अपन लोगों को, थीटा बराबर क्या लिखना, पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो पुट करते हैं तो यहाँ आ जाएगा बेटा आपका टेन अल्फा बराबर आपका बी साइन पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा बेटा, डिवाइडेड बाई यह आ जाएगा आपका ए प्लस आपका बी कॉस पाई माइनस थीटा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो साइन पाई माइनस थीटा होता है उसकी जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, वो वैल्यू आ जाती है बेटा आपकी बेसिकली यहाँ पे साइन थीटा, और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू निकल के आती है वो कितनी आ जाती है बेटा आपकी, ये आ जाती है बेटा आपकी माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला, इसके रिजल्टेंट के साथ जो आपका एंगल आएगा वो आ जाएगा टेन अल्फा बराबर आपका बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आपका ए प्लस बी ए माइनस बी कॉस थीटा। कुछ इस तरीके से आपका क्या निकलता है बेटा, आपका ए माइनस बी आता है, और ये आपका कुछ इस तरीके से फॉर्मूले आते हैं। एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, अपन लोग आगे चलते हैं, फिर मैं आपके कुछ क्वेश्चंस भी करवा देता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान से ही देखना इसको थोड़ा सा। देखिए अगर ये चीज समझ में आ गई, बेसिकली इतना ही कंटेंट अपन को याद रखना है कि इस तरीके से निकलता है, अपन लोगों को वापस टोटल डेरिवेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए मैंने करवाया भी नहीं है। देखिए अब यार ये चीज तो मेरे को समझ में आ गई कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो यहाँ से एक जनरल क्वेश्चन करते हैं। बेसिकली अगर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ इसका मतलब आप लोग पॉज मारोगे, आप लोग ट्राई करोगे, फिर मेरे आंसर के साथ आप लोग अपने क्वेश्चन जो आंसर होंगे वो मैच करोगे। देखिए अब यार मेरे को क्या निकालना है, मेरे को बेसिकली दो वेक्टर दिए, क्या दिए बेटा आपके दो वेक्टर दिए। सपोज कर लीजिए मैंने ये क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन क्या है कुछ इस तरीके से है, ये आपका ए वेक्टर, ये मेरा आपका बी वेक्टर, यहां बोल देता हूँ यहाँ एंगल बोल देते हैं अपन 30 डिग्री, और यहाँ पे अपना जो आ रहा है वो आ रहा है आपका ए वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात करते हैं वो आ रहा है आपका 10 न्यूटन, यहाँ पे आपका बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो वो आ रहा है आपका 10 न्यूटन। तो यहाँ पे आपको बेसिकली बोला गया है कि आर वेक्टर निकालिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और जो आपका दूसरा आर वेक्टर, और एक निकालिए आप लोग आर वेक्टर सब्ट्रैक्शन वाला निकाल दिए ए माइनस आपका बी वेक्टर।
तो यहाँ पे अपन लोगों दोनों के लिए कहानी पता है। अगर ए प्लस बी की बात कर रहा हूँ तो एंगल कितना आ रहा है बेटा आपका, सबसे पहले बेटा आपका ए की बात करते हैं 10 न्यूटन, ये मैग्नीट्यूड ही होता है ए का मतलब, बी बराबर आपका 10 न्यूटन। आप लोगों को पता है ना कि मैग्नीट्यूड ऐसे लिखो या बराबर आपका ए लिखो तो मैग्नीट्यूड ही रहता है। यहाँ पे भी अपन लोग क्या लिख देंगे बी। अब देखना यहाँ पे थीटा बराबर कितना है बेटा आपका 30 डिग्री, इतना आ गया। अब इतने आने के बाद में अपन लोग कुछ नहीं करना, सिंपल सा आराम से रहना है और यहाँ पे अपने फॉर्मूला पुट करना है। बेसिकली देखना अगर मैं फॉर्मूला की बात करता हूँ तो ये आपका आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर प्लस आपका 2ab cos ऑफ थीटा, ये बंद ये ब्रैकेट कुछ इस तरीके से। अच्छा यहाँ पे जो आपका आर आएगा ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी 10, मतलब आपका 10 का स्क्वायर यार ये 10 का स्क्वायर प्लस आपका 10 का स्क्वायर प्लस आपका 2 × 10 × 10 × cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है बेटा आपका 30 डिग्री है। 30 डिग्री का मतलब कितना आ जाएगा बेटा आपका, ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री। और अपन लोग सब लोग जानते हैं 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है बेसिकली आपकी cos ऑफ 30 बराबर आपका होता है कितना बेटा आपका 1/2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे अगर मैं पुट कर देता हूँ तो आर इज इक्वल टू 100 + 100 प्लस आपका 2 × 10 × 10 × 1/2, 1/2 चला गया, 2 से 2 चला गया, फाइनली आ जाएगा तो 100 ये रहा, 100 ये रहा, 100 ये रहा, तो आपका आ जाएगा √300। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिखता हूँ 10√3 कुछ इस तरीके से आ जाएगा ये आपका न्यूटन। ये तो क्या आ गया बेटा आपका रिजल्टेंट आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अल्फा की बात करता हूँ, एंगल्स की बात कर देता हूँ तो वो क्या आएगा, एंगल की बात करते हैं तो अपन को पता है कि यहाँ पे जो इसका रिजल्टेंट ऐसा आ रहा था, मतलब ये आपका ऐसा, ये आपका ऐसा और यहाँ पे कहीं पे ऐसा बन रहा होगा, ये आ रहा होगा आपका अल्फा और बेसिकली टोटल एंगल कितना 30 डिग्री, ये आपका ऐसा ये आपका ऐसा। बेसिकली आप उन लोगों को क्या निकालना है, 10 अल्फा निकालना है। 10 अल्फा बराबर आपका क्या आ जाएगा बेटा आपका बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आपका ए प्लस बी कॉस थीटा बराबर बी, बी और ए बराबर है आपके 10 × sin 30 डिग्री डिवाइडेड बाई आपका कितना आ जाएगा बेटा आपका 30 डिग्री डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा। अच्छा एक मिनट रुकना, ये cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। हाँ ये गलत वैल्यू पुट कर दी है मैंने, यहाँ पे क्या आएगा बेटा आपका √3/2, गलत वैल्यू पुट कर दी अपन, ठीक है। यहाँ पे आप लोग मिस्टेक्स को ठीक कर लेना, यहाँ पे आ जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, ये आएगा बेटा आपका √3/2, तो यहां से आपका 2 से 2 निकल लिया और यहाँ पे आ जाएगा 100 + 100 को मैं क्या लिख दूंगा बेटा आपका 200 प्लस आपका ये आ जाएगा बेटा आपका 100, ये आ जाएगा बेटा आपका √3 कुछ इस तरीके से, ये आपका क्या आ जाएगा न्यूटन आंसर आ जाएगा आपका। थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पे मैंने आपका cos 30 की वैल्यू कितनी ले ली थी, 1/2 ले ली थी, जो 1/2 नहीं होती है बेसिकली, वो होती है बेटा √3/2। अब देखना यहाँ पे 10 sin 30 डिवाइडेड बाय आपका ए, ए की वैल्यू कितनी बेटा आपका, ए की वैल्यू है आपका 10 प्लस बी, बी कितना है बेटा आपका 10 cos ऑफ 30 डिग्री, तो यहां से आपका कितना आ जाएगा देखना 10 का 10 आ जाएगा, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, क्या होती है बेटा आपका 10 × 1/2 डिवाइडेड बाय 10 + 10 ये आ जाएगा 10 प्लस आपका 10 × √3 डिवाइडेड बाय 2, जो cos 30 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2, ये आपका कितना आ जाएगा बेटा आपका 5, ये आपका कितना आ जाएगा बेटा आपका 5, तो इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा आपका 5/10 प्लस आपका 5√3 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो आपका आंसर जो आता है 10 अल्फा यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरीके से बेटा। यहां से अपन लोग क्या निकाल सकते हैं, अल्फा निकाल सकते हैं, आगे भी सॉल्व होता है, 5 बार निकाल लेंगे तो आगे सॉल्व हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से आता है। अब मेरे को निकालना क्या, आप उनको सेकंड क्वेश्चन बोला है वो निकालना बेटा आपका a − b, और यहाँ पे भी अपना क्या दे रखा है एंगल बिटवीन देम दे रखा है। तो अपन लोग प्रोसीड करते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, एक बार आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। एक्चुअली में क्या है ना ये कैमरा बंद हो जाता है इसलिए बार बार देखना पड़ रहा है। चलिए देखिए ये आपका इस तरीके से, तो ये हो गया a − a + b, इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आता है। अब देखना यार अपन लोग जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ना थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं, मतलब थोड़े से कैलकुलेशन वाले हैं ताकि आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे, बी क्लियर इन योर माइंड अपन लोग क्या निकाल रहे हैं। चलाइए देखिए मैंने अभी क्या बोला, मेरे को क्या निकालना है आर वेक्टर निकालना है, लेकिन मेरे को a − b निकालना है, तो बस यही वाली बात, इसको उल्टा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ये तो ग्राफिकल अप्रोच बता रहा हूं मैं आपको, ये आपका a − b कैसा जाएगा, ये आपका उल्टा b − का, और यहाँ पे आपका रिजल्टेंट आ रहा होगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ये आपका ऐड कर, इसको इस तरीके से, इसको इस तरीके से कर दो, और ये आपका क्या जाएगा बेटा आपका अल्फा। खैर अपन लोग तो किससे करेंगे, मैथमेटिकली करेंगे। चलिए आइए
देखना, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर माइनस ऑफ आपका टू ए बी कॉस ऑफ थीटा अंडर रूट, सिंपल वैल्यू पुट कीजिए, दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा आपका थीटा ही एंगल होता है, और थीटा किस किसके बीच में एंगल होता है बेटा, ये वाला एंगल होता है थीटा, थीटा हमेशा ये एंगल होगा जब ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, बात समझ में आई। अगर आप लोगों को पहले वाला ही फॉर्मूला लगाना है तो उस केस के अंदर आपको क्या करना होगा, अपन लोगों को ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर प्लस आपका टू ए बी कॉस ऑफ अपन लोग क्या लिखेंगे पाई माइनस थीटा, ये वाला एंगल लिखेंगे, क्या लिखेंगे या फिर ऐसा लिख लेना इसको, अगर मेरे को यहाँ पे पाई माइनस थीटा वाला एंगल निकालना पड़ेगा, मतलब अगर मैं ये वाला एंगल पुट कर रहा हूं तो मेरे को यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस पाई माइनस थीटा, लेकिन मुझे पता है कि मैंने इसको सॉल्व करके देख रख रखा है, तो अपन क्या करेंगे यही लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ टू ए बी कॉस थीटा। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अपन लोगों ने ये फॉर्मूला डिराइव किया है वो फॉर्मूला अपन लोगों ने सबके लिए डिराइव कर लिया है, अब केवल थीटा देख के अपन लोगों को वैल्यू पुट करनी, नहीं तो माइनस करने के लिए आपका एंगल कौन सा लेता है, पहले तो इसको नेगेटिव बनाओ फिर आपका एंगल देखो, एंगल कितना आ रहा है बेटा आपका 30 डिग्री, ये कितना आ जाएगा बेटा रिमेनिंग ये वाला आ जाएगा आपका 150 डिग्री। अब ये 150 डिग्री अपन लोग इस जनरल फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे, लेकिन अपन लोग कुछ नहीं करना, जब भी आपको ए माइनस बी निकालने के लिए बोला जाता है तो अपन लोग यही करेंगे कि यहाँ पे जो एंगल होता है उसको थीटा पुट करेंगे और यहाँ पे बीच के अंदर माइनस लिख लेंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। चलिए देखिए यहां तक आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होगी, यहाँ पे अपन लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए आइए अगर मैं यहाँ पे आर की बात करता हूं तो ये आ जाएगा, तो इसको क्या लिख लूंगा, ए को क्या लिख लूंगा बेटा आपका 10 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर प्लस बी क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस आपका 2 × 10 × 10 इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री, वो आता है आपका √3/2, तो यहाँ आ जाएगा बेटा आपका √3/2, 2 से 2 निकल लिया और यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ये आ जाएगा 100 + 100 माइनस आपका कितना जाएगा बेटा आपका √3/100, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आर बराबर आपका 200 − √3/100 कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप लोग कॉमन भी ले सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे बेसिकली लिख लेता हूँ बेटा आपका 10 निकाल लेता हूँ बाहर, तो ये कितना जाएगा बेटा आपका 2√3 कुछ इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। अगर 10α की बात करते हैं जो ये वाला एंगल है वो कैसे निकालते हैं, अगर उसको निकालना है तो भी अपन लोग वही फॉर्मूला बेटा 10α इज इक्वल टू, अपन लोगों ने क्या पुट कर दिया था वहां पे पाई माइनस थीटा पुट कर दिया था, अच्छा पाई माइनस थीटा पुट कर देता हूं तो आपका क्या आ जाता है बेटा आपका बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए माइनस बी कॉस थीटा, यहां वैल्यू पुट कर देना आपके आंसर आ जाएंगे। चलिए देख ही लेते हैं, बी 10 sin 30 डिग्री 1/2 डिवाइडेड बाई आपका ए 10 बी 10 30 डिग्री √3/2 कुछ इस तरीके से, ये आपके क्या आ जाता है बेटा आपका 10α की वैल्यू आ जाती है जब मैं यहाँ पे a माइनस बी करता हूँ। एक बार आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे फिर अपन लोग कुछ इंपॉर्टेंट फंडे की तरफ चलेंगे, एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा, बहुत आराम से देखना आप लोगों की यही चीज काम में आने वाली है, तो इसको आराम से देखते रहना, और जब भी मैं क्वेश्चंस कराता हूं तो आप लोगों को क्या करना है कि बेसिकली पॉज करना है, पहले क्वेश्चन ट्राई करना है, अगर मैंने बोला ए प्लस बी निकालो तो पहले खुद ट्राई करो फिर आंसर देखो, फिर मैंने बोला ए माइनस बी निकालो खुद ट्राई करो फिर आंसर निकालो, फिर आपका आंसर मैच करो यहाँ पे, तब आपको थोड़ा बेनिफिट होगा। चलिए आइए यार, है ना यहाँ पे तो ये चीजें करवा दी मैंने, मैं थोड़ा सा यार ना वो चीज ही बता देता हूँ, जैसे अपन लोगों ने निकाला था ना कि अगर दोनों आपका अंडर रूट ऑफ है, मतलब आपका क्या बोल रहा हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर दोनों क्या हो सेम हो, तब आपका जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आता है वो कल आ रहा था बेटा आपका 2a cos² θ/2, बेसिकली आपका ये निकल के आ रहा था 2a cos θ/2 आ रहा था ना, बस वही बात करने वाले हैं। अगर मैं बोल देता हूँ कि अगर मेरे को यहाँ पे रिजल्टेंट जो निकालना है वो निकालना है ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर, और मैं अगर यहाँ ऐसा बोल देता हूँ कि एंगल बिटवीन तो आपका थीटा ही है और यहाँ पे जो आपका ए का मोड है और बी का मोड है मतलब मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली आपका ए ही है, तो क्या लिख देंगे इसको ए, और यहाँ पे एंगल बिटवीन देम कितना है बेटा आपका थीटा, तो मान लीजिए ये आपका ऐसा है
ये आपका ऐसा है, इसको बोल देते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहां लिख देते हैं बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एक्चुअली बोल क्या रहा हूं, ये अगर आपका 2 न्यूटन है ना, तो ये भी क्या है बेटा आपका 2 न्यूटन, मतलब इनका मैग्नीट्यूड क्या है बेटा आपका सेम है। तब आप लोग इसका फॉर्मूला डेवलप करके बताएंगे। तो देखना मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को तो मुझे पता है कि मुझे मेरा काम करना है, और मुझे पता है कि मेरा जो आंसर आना चाहिए वो मुझे पता है कि जो अपना फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab कॉस ऑफ थीटा। अब देखना आर बराबर, क्योंकि अपना ए का मैग्नीट्यूड बराबर बी का मैग्नीट्यूड बराबर आपका ए का मैग्नीट्यूड है, इसको ए बोल दिया। तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2a.a कॉस ऑफ थीटा, इसका ले लेते हैं अंडर रूट। चलिए आइए आर बराबर आपका ए स्क्वायर 2a² माइनस 2a² कॉस ऑफ थीटा। यहां से मैं क्या लिख दूंगा बेटा आपका 2 बाहर ले लेंगे, ए स्क्वायर बाहर ले लेंगे, ये लिख देंगे 1 माइनस, क्या आ जाएगा बेटा आपका कॉस थीटा, और इसका ले लेंगे अंडर रूट। देखिए इतना करने के बाद अपन लोगों को ये पता होना चाहिए, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को आनी चाहिए यार, है ना। तो अपन लोगों ने ये देखा था कि अगर मैं ऐसा बोलता हूँ 1 प्लस cos थीटा, इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है शायद 2 cos² θ/2, यही आती है। कल अपन लोगों ने इसी से डिफाइन किया था, यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी बेटा आपकी 2 sin² θ/2। ये जो वैल्यू है पुट इट हियर, चलिए देखते हैं। तो यहां पे मैं करता हूं आर इज इक्वल टू 2a² मल्टीप्लाई बाई 2 sin² θ/2 अंडर रूट। चल देख ये 2 और 2 4 और ए स्क्वायर, तो इसको बाहर निकाल लेंगे 2a sin² θ/2 क्या आ जाएगा बेटा आपका sin θ/2, कुछ इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा आर। तो यहां पर आपका जो फॉर्मूला निकल के आएगा क्या बेटा आपका 2a sin θ/2, कुछ इस तरीके से आपका रिजल्टेंट आ गया। कब आता है ये, जब दोनों वेक्टर ए वेक्टर बराबर आपका बी वेक्टर होता है तब आपका ये निकल के आता है। एक बार इसको नोट डाउन कीजिए फिर अपन लोग आगे चलते हैं। यार यहाँ पे भी वही केस बनाऊंगा मैं, 0 डिग्री का, 60 का, 90 का और उसी के साथ आपका 120 और कंप्लीट करूंगा। देखना जैसे मेरे को ये चीज पता चल गई तो अपन लोग आगे चलते हैं। देखना अगर बेटा मैं यहाँ पे कल वाले केसेस की बात करता हूँ, कौन से केस थे बेटा मुझे अच्छे से पता, आप लोगों को समझ में आए होंगे। देखना अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूँ कि अपना जो फॉर्मूला आ रहा है जो रिजल्टेंट है आर इज इक्वल टू 2a sin θ/2, अगर ये वाला आपका ये है तो मैंने क्या किया, इससे यहाँ पे अपन लोगों ने एंगल पुट करना स्टार्ट कर दिया। क्या पुट करना स्टार्ट कर दिया, एंगल पुट करना स्टार्ट कर दिया। देखना कुछ इस तरीके, अगर मैं बोलता हूँ थीटा बराबर आपका 0 डिग्री है, तो एक बात बताना डायरेक्ट करूंगा, 0 पुट करते हैं साइन 0 क्या होता है 0, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा वो आ जाएगा 0। चलिए आइए अगर मैं बोल देता हूँ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री कर देते हैं, तो बेटा एक बात बताना 60 डिग्री साइन 60, तो ये साइन ये आ जाएगा आपका कुछ इस तरीके से आर बराबर आपका 2a sin 60/2, मतलब आपका कितना जाएगा आर बराबर आपका 2a sin 30 डिग्री। आर बराबर आपका 2a sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, मैंने वहां पे गलत पुट की थी, देखना यहाँ पे आ जाएगी 1/2, ये आर बराबर आपका आ जाएगा ए। चलिए देखिए अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ थीटा की वैल्यू बेसिकली मैं 90 डिग्री पुट करता हूँ, तो 90 डिग्री पुट करने का मतलब क्या है, यहाँ पे कितना आ जाएगा θ/2, मतलब आपका 45 डिग्री। तो देखना आर बराबर आपका 2a sin 90/2, तो यहां से r बराबर आपका आ जाएगा 2a into ये आ जाएगा बेटा आपका sin 45, लिख देता हूँ sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री की वैल्यू आती है 1/√2, तो यहां से जो आपका r आएगा वो आ जाएगा 2a multiply by √2, इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√2, तो ये आ जाएगा बेटा आपका, इसको क्या लिख सकता हूँ √2a/√2 आपका √2, यहां से जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा आपका आर बराबर आपका 1√2 से 1√2 चला गया, तो ये आ जाएगा √2 times of a। चलिए आइए अगर मैं यहां बात करता हूं 120 डिग्री की, तो 120 डिग्री के केस में कितना हो जाएगा थीटा बराबर आपका 120 डिग्री, 120 डिग्री जब यहां पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री,
वेरी गुड बेटा, ये देखिए आर इज इक्वल टू टू ए साइन ऑफ 120 डिवाइडेड बाई 260 लिखो, ये आ जाएगा बेटा आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है? रूट थ्री बाई टू। तो ये आ जाएगा आर बराबर आपका टू ए मल्टीप्लाई बाई रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू, टू से टू निकल लिया तो यहां पे जो आपका आर आएगा वो आ जाएगा रूट थ्री टाइम्स ए, कुछ इस तरीके से। अब आपका फाइनली बचा हुआ 180 डिग्री, तो आ जाइए इसको भी कर ही लेते हैं, ब्लू पेन से करते हैं इसको। देखिए ये आपका यहाँ पे थीटा जो लिख रहे हैं, थीटा आ रहा है 180 डिग्री, और यहां से जो आपका आर आएगा 80 का 180 लिखते हैं, 180 डिवाइडेड बाई टू कितना 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा टू ए साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू होती है बेटा आपकी 1, तो यहाँ पे रिजल्टेंट जो आएगा बेटा आपका कितना जाएगा बेटा आपका 2A। तो बेसिकली यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से ये निकल के आते हैं। हमेशा ये चीज ध्यान में रखना बेटा कि ये जो फंडे होते हैं इनको अपन लोगों को थोड़ा सा याद रखना है, याद करने का मतलब ऐसा नहीं रटन तुम विद्या काम नहीं करनी है, ऐसा नहीं रट लेते हैं भाई साहब, रट लेते हैं, रटने से कुछ नहीं होगा, समझ में आना चाहिए, विजुअलाइजेशन होना चाहिए। अगर दो वेक्टर सेम है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो उनके लिए अगर मैं एडिशन करता हूं तो आपका फॉर्मूला काम में आता है 2a cos theta by 2, अगर सब्ट्रैक्शन करता हूं तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो काम में आता है बेटा आपका 2a sin theta by 2, बस इतना याद रखना होता है। जब आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो ये फॉर्म तो आपको पता ही चल जाती है साला क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं इतनी मेहनत अभी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग नए बच्चे हैं, तो आप लोगों के अंदर है ना, मतलब आप लोगों को जो भी चीज दी जाएगी ना एकदम फटाफट ग्रैप करोगे, इसीलिए ये चीज करवाई जा रही है। तो आप लोग बड़े ध्यान से इसको पढ़ते रहिए, अपन लोग आगे एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत अच्छे से देखते रहना, ठीक है। चलिए आइए अब देखना बेटा, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन करते हैं यार, चला आप लोगों को ऐसा बोला मैंने कि यार मेरे को एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स निकालना है, क्या निकालना है बेटा आपका एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स निकालना है। तो बेसिकली मैंने क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फ्रेम किया कि यहाँ पे अपना क्या निकालना, आर वेक्टर बराबर आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये बोला हुआ है। और मैंने ऐसा बोल दिया कि जो आपका ए वेक्टर है का मोड है बराबर आपका बी वेक्टर का मोड है बराबर आपका आर वेक्टर का मोड है, ये बराबर किसके बराबर है बेटा आपका ए के बराबर है। तो यहाँ बोला मैंने थीटा की वैल्यू निकाल के बताओ, किसकी वैल्यू निकाल के बताओ बेटा आपका थीटा की वैल्यू। आप सब लोग पोज मारेंगे एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे फिर मैं करवाता हूँ, शायद आप लोगों ने कर लिया होगा। अब देखना आंसर आपका राइट आता है रॉन्ग आता है। देखो ऊपर मैंने क्या बोला ए माइनस बी, फॉर्मूला मेरे को पता है आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ आपका टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, और ये लिख लेंगे अंडर रूट खत्म, ये आर सब सेम है बेटा आपका। तो इसको ए ले, ए बोल देता हूं, इसका भी स्क्वायर ही कर दे, अंडर रूट ए स्क्वायर बराबर आपका ए स्क्वायर प्लस आपका ए स्क्वायर माइनस आपका टू ए स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। आइए ये निकल गया माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका कितना जाएगा बेटा आपका, यह आ जाएगा बेटा आपका बराबर, इसको बराबर में ले लेते हैं, ये वाली टर्म इधर ले आता हूं तो आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बराबर आपका कितना जाएगा बेटा आपका माइनस टू ए स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। ये निकल गया माइनस से माइनस निकल गया, तो यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे कितना बचेगा बेटा यहाँ पे, यहाँ एक बच जाएगा तो यहाँ आ जाएगा बेटा आपका वन बाई टू। तो ये जो वन बाई टू आता है तो थीटा कितना जाएगा, मुझे पता है कि cos theta 1 by 2 वैल्यू कब होती है जब ये आपका 60 डिग्री होता है, तो बेसिकली जो एंगल आएगा वो आ जाएगा बेटा आपका 60 डिग्री। एक बार इसको नोट डाउन कीजिए फिर अपन लोग आगे चलते हैं। बेटा एक फंडात्मक क्वेश्चन करवाता हूँ, बहुत ही अच्छा फंडा है, आप बेसिकली जेई के अंदर है ना assertion reason में पूछ लिया जाता है, तो देखते हैं क्या है, क्या पूछ लिया जाता है सर। देखिए आई होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और वैसे भी आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होता है प्लीज बता दीजिए, इससे क्या होगा आप लोगों के कॉन्सेप्ट इंप्रूव होंगे, आप लोगों को पता चलेगा आप लोग लैग कहाँ कर रहे हैं, और मुझे भी पता चलेगा आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। देखना बेटा मुझे पता है कि यहाँ पे आर वेक्टर की बात करता हूँ तो ये होता है आपका ए वेक्टर प्लस आपका बी वेक्टर, अगर आर वेक्टर की बात करता हूँ तो ये होता है आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। एक्चुअली में आपका एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है ये देखना, अगर मैं यहाँ पे दो वेक्टर बना देता हूँ, ये वेक्टर आपका ये वेक्टर, और इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, ये अगर ए वेक्टर है, ये अगर आपका बी वेक्टर है, यहाँ पे एंगल बिटवीन देम थीटा है, तो मैं यहाँ पे इसके टेल टू टेल जोड़ रखा है, इसका मतलब क्या करूंगा पैरेललोग्राम कंप्लीट करूंगा क्योंकि मेरे को ए प्लस बी निकालना है, ये मैंने कंप्लीट कर दिया और फाइनली मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया, और यहाँ की एक कॉमन टेल से मैं सीधी लाइन खींचता हूँ ऐसा 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 ऐसा, तो
मेरे को क्या मिल जाता है बेटा, आपका रिजल्टेंट मिल जाता है, वो क्या होता है बेटा, आपका ए प्लस आपका बी वेक्टर। मुझे ये भी पता है अगर ए माइनस बी निकालना है तो ये जो आपका बी है इसको नेगेटिव कर दूंगा विदाउट चेंजिंग देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज फिजिकल क्वांटिटी, केवल अपन लोग डायरेक्शन को अपोजिट करते हैं। ये ले भैया, ये आपका बराबर लेंथ का ले आए पीछे, ये हो गया माइनस बी, माइनस बी हो गया, तो इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो, ये ऐसे ऐसा जाएगा, ये ऐसा और ये ऐसा ऐसा। अब देख ये आपका कॉमन टेल हो गया, अगर ये कॉमन टेल हो गया है तो इस कॉमन टेल से एक लाइन निकालेंगे और किससे मिला देंगे बेटा अपन लोग, इससे मिला देंगे, तो ये आ जाएगा आपका कुछ इस तरीके से। ये आ जाएगा बेटा आपका आर वेक्टर बराबर आपका ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर, कुछ इस तरीके से आ जाता है। एक बात बताना, अगर मैं इन सबको, ये बेसिकली क्या है बेटा आपका डायगोनल, क्या बेटा आपका डायगोनल, ये भी आपका क्या है बेटा आपका डायगोनल, तो बेटा ये दोनों डायगोनल है, ये भी आपका डायगोनल, ये भी आपका डायगोनल। मुझे पता है कि अपन लोग वेक्टर को पैरेलली कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे किसकी बात करेंगे बेटा अपन लोग, पैरेलली शिफ्टिंग की बात करेंगे। देखना इसको उठाया, उठा के क्या तो ये जब इसको इसको मिलाते हैं ना तो आपका सेम ही आता है जो ए माइनस बी का होता है। बेसिकली ग्राफिकल मेथड से आप लोग करोगे ना, अगर मैं इसको मान लेता हूँ चार, इसको मान लेता हूँ तीन, तो ये आपका क्या आएगा पांच आएगा, देखना करके। और अगर मैं यहाँ पे इस तरीके देता हूँ, यहाँ पे भी आपका सेम आ रहा होता है। अपन लोग ज्यादा डिटेल में जाएंगे, केवल आप लोग ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे इसको इसको कनेक्ट करता हूँ तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आर वेक्टर बराबर आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्यों रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आप लोग पैरेलली कहीं पे भी आप वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हो, ऐसे लाके ऐसे लगाओगे तो आपका बिल्कुल इसी लेंथ का यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड बन जाएगा। देखिए कैसे, ये आपका ऐसा आया, ये आपका ऐसा आया, और फाइनली आपका ए वेक्टर ये हो गया, ये आपका बी वेक्टर हो गया, और ये आपका कुछ इस तरीके से ऐसा। और यहाँ पे आपका कॉमन टेल ये हो रहा, कॉमन टेल से मैं यहां से तीर मारता हूँ, यहाँ पे आ जाता है ये आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब देखना मेरे को ए माइनस बी निकालना है तो ए माइनस बी आपका आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ये आपका ए माइनस बी, ये आर वेक्टर बराबर आपका आ जाएगा ए वेक्टर माइनस आपका बी वेक्टर। एक बात बताना, मैं इस ग्राफ को, सॉरी इस ग्राफिकल मेथड को देख के या फिर इस यहाँ पे पैरेललोग्राम को देख के मेरे को ये पता चलता है जो बिगर डायगोनल है वो क्या है बेटा आपका एडिशन, क्या है बेटा आपका ए प्लस बी, मतलब आपका ये एडिशन का मैग्नीट्यूड है, और जो आपका स्मॉलर डायगोनल है वो क्या दिखाता है बेटा आपका आर वेक्टर, मतलब आपका सब्ट्रैक्शन दिखाता है, ए वेक्टर माइनस ऑफ आपका बी वेक्टर। यार एक बात बता, ये हमेशा ट्रू रहेगा क्या, क्या बोला मैंने, ये जो चीज दिखाई है ये क्या हमेशा आपको ट्रू मिलेगी क्या, कमेंट कीजिए कि आपका हमेशा जो ए वेक्टर होगा मतलब आपका एडिशन होगा वो आपका बिगर डायगोनल ही होगा, और जो सब्ट्रैक्शन होगा आपका स्मॉलर डायगोनल ही होगा, मतलब ये बिगर ही रिप्रेजेंट करेगा एडिशन को और स्मॉलर रिप्रेजेंट करेगा आपका किसको, बेसिकली आपका सब्ट्रैक्शन को। ये क्या हमेशा ही ऐसा रहेगा क्या कि एडिशन की डायगोनल बड़ी रहेगी और सब्ट्रैक्शन की डायगोनल छोटी रहेगी, तो बेटा यहाँ पे अगर मैं इसको देख के देखता हूँ तो मेरे को पता चलता है हाँ यार ये ऐसा ही रहेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ बेटा कि यहाँ पे अपन लोग क्या कर लेते हैं, कुछ सोचते हैं, जैसे अगर मैं आप लोग बोलता हूँ ए बराबर दे दिया मैंने यहाँ पे, ए बराबर मैग्नीट्यूड आपका 4 न्यूटन, बी बराबर दे दिया यहाँ पे मैग्नीट्यूड बराबर आपका 3 न्यूटन, और बेसिकली थीटा दे दिया यहाँ पे 90 डिग्री। तो एक बात बताना, अगर मैं यहाँ पे एडिशन के लिए निकालता हूँ तो आर वेक्टर क्या आ जाएगा बेटा आपका ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर प्लस आपका 2ab cos थीटा, इसका अंडर रूट cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो आर वेक्टर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4 का स्क्वायर 16 प्लस आपका 9, 3 का स्क्वायर 9 बराबर आपका कितना आ जाएगा आपका 5 न्यूटन। इसका ग्राफ बनाए देखना, ये आपका ऐसा, ये आपका ऐसा, पैरेललोग्राम कंप्लीट, ये आपका ऐसा, ये आपका 4 है, ये आपका 3 न्यूटन है, और ये आपका क्या आ जाएगा बेटा आपका ये जो डायगोनल होगा ये कितना आ जाएगा बेटा आपका 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा आपका 5 आ जाएगा, ये आ गया आपका 5 न्यूटन। अब देखना अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करता हूँ, सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा, तो आर वेक्टर अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करता हूँ तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर माइनस आपका 2ab cos थीटा, माइनस आ रहा है
बेटा यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है बेटा आपकी 90 डिग्री, मतलब ये वैल्यू जीरो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आपका कितना आ जाएगा बेटा आपका, ये भी आपका आपका 16 प्लस आपका 9 अंडर रूट के अंदर, यहाँ पर आर जो आएगा वो आ जाएगा बेटा आपका 5 न्यूटन। ओहो, अपन लोगों को बताया कि जो आपका दूसरी इससे ये मिलाते तो आपको क्या मिल जाता, स्मॉलर इससे ये मिलाते हैं क्या मिल जाता आपको, सब्ट्रैक्शन मिल जाता है। तो ये अगर 5 है तो ये अगर इसको इससे मिलाऊंगा ऐसे 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 ऐसे, ये क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ये भी आपका 5 न्यूटन आ जाएगा। तो तू कहीं देख पा रहा है कि हमेशा जो आपका बिगर डायगोनल होगा वो आपका हमेशा एडिशन को शो करेगा, लेकिन जो आपका स्मॉलर डायगोनल होगा ये आपका हमेशा किसको शो करेगा बेटा, आपका सब्ट्रैक्शन को शो करेगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है, ये बिगर ही डायगोनल हो ये आपका स्मॉलर डायगोनल हो, कभी कभी दोनों डायगोनल क्या हो सकती है, ये और ये सेम भी हो सकती है, और दोनों किसको शो कर सकती है, ये आपका ए प्लस बी को शो कर सकती है, ये आपका ए माइनस बी को शो कर सकती है। मेरा कहने का मतलब यही था कि अगर आपका क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर ये पूछा जाता है कि आपका बताइए कि आपका जो बिगर डायगोनल होगा वो हमेशा एडिशन को शो करेगा और जो आपका स्मॉलर डायगोनल होगा वो किसको, सब्ट्रैक्शन को शो करेगा, ये हमेशा ट्रू होता है, ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पे एंगल बिटवीन दो वेक्टर 90 डिग्री ले लेता हूँ तो दोनों सेम आ जाते हैं, तो यहाँ पे कोई भी बिगर नहीं है और कोई भी स्मॉलर नहीं है, यहाँ पे बेसिकली जो आपका मैग्नीट्यूड है दोनों का वो क्या है बेटा आपका सेम है। अगर मैं इसको बोलता हूँ आपका ए प्लस बी और इसको बोलता हूँ ए माइनस बी तो भी चल जाएगा, अगर मैं इसको ए माइनस बी बोलता हूँ इसको ए प्लस बी बोलता हूँ तो भी आपका चल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये क्या था बेटा आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपका अभी तक आईआईटी में पूछा नहीं गया है, शायद पूछा जा सकता है, या फिर इस तरीके के आपके असर्शन रीजन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको नोट डाउन कीजिए यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, बहुत ध्यान से देखते रहिए। चलिए देखिए, एक लास्ट करवाता हूँ, सारी चीजें आप लोग है ना अपना मेसअप हो चुकी है, अपन को पता चल चुका है क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा आप लोगों को यार, अगर आपके दो वेक्टर्स हैं, क्या बेटा आपका दो वेक्टर्स हैं, किसकी बात बोली मैंने यहाँ पे, दो वेक्टर्स की बात बोली, सपोज कर ले ये वेक्टर है और आपका ये वेक्टर है, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है ना इन दोनों के बीच में आता है, मतलब इसके अंदर ही आता है, यहाँ आ सकता 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 है और यहाँ आ सकता है, मतलब इन दोनों के बीच में ही आ सकता है, ये रिजल्टेंट होगा वो कहाँ आ सकता है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में या इनके बराबर क्या आ सकता है, इन दोनों के बीच के अंदर आपका क्या आ सकता है बेटा, आपका रिजल्टेंट आ सकता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। देखिए इसको प्रूफ भी कर लेते हैं, एक अपन को क्वेश्चन दे रखा है कुछ इस तरीके से, जो आपका ए वेक्टर है वो दे रखा है बेटा आपका 4 न्यूटन, बी वेक्टर है मैग्नीट्यूड ये वो है बेटा आपका 3 न्यूटन, और जो आपका एंगल दे रखा है थीटा इज इक्वल टू को दे रखा है बेटा आपका 0 डिग्री, क्या दे रखा है बेटा आपका 0 डिग्री। मुझे ये पता है कि अगर दो वेक्टर्स हैं, एक ये वेक्टर है और एक आपका एक ये वेक्टर है, दोनों वेक्टर कौन सा है, थीटा क्या आ जाएगा 0 डिग्री, पैरेलल वेक्टर्स है। अगर पैरेलल वेक्टर्स की कहानी बोलता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा, आपको जो थीटा इज इक्वल 0 पे आपको क्या मिलेगा, आर इज इक्वल टू आर मैक्सिमम मिलेगा, अपन लोगों ने पहले ही बात की थी आर मैक्सिमम कब मिलता है, 0 डिग्री मिलता है, तो आर मैक्सिमम इस केस में क्या हो जाएगा बेटा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 280 cos थीटा, तो यहाँ आ जाएगा बेटा आपका क्या 4 का स्क्वायर, या फिर पूरा ही लिख लेता हूँ यार, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर प्लस आपका 2ab cos थीटा। अब देखना ए स्क्वायर का मतलब आपका 16 प्लस आपका 9 प्लस आपका 2 मल्टीप्लाई बाय आपका कितना आ जाएगा 4 × 3 cos 0 की वैल्यू होती है आपकी 1, ये 16 और ये कितना 25, 16 और 9 25, ये आ जाएगा 12/24, मतलब आपका कितना आ जाएगा ये 24, मतलब 25 प्लस आपका 24, मतलब आपका कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 49। तो यहाँ पे जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो आ जाएगा कितना बेटा आपका 7 न्यूटन, और अगर मैं इसको बोलता हूँ ये क्या है बेटा आपका आर वेक्टर इज इक्वल टू आपका ए वेक्टर प्लस आपका बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कुछ इस तरीके से। अब देखना अगर कोई बोल दे आपको कि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अगर मैं बोलता हूँ आर मैक्सिमम तो निकाल लिया, आर मिनिमम निकाल के बताइए, तो बेटा अपन लोग जानते हैं कि ये आपका ऐसा और ये आपका ऐसा, अगर दोनों वेक्टर जो होते हैं आपके अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो आपका जो वैल्यूज आती है वो कैसी आती है बेटा, आपकी वैल्यूज जो आती है वो आती है आपकी मिनिमम। तो यहाँ पे एंगल कितना है बेटा थीटा इज इक्वल टू आपका 180। अब जब मैं यहाँ पे 180 पुट करूंगा देखना वो तब वैल्यू आपकी क्या आती है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ये चीज पुट करता हूँ तो सिंपली आपको क्या करना है यहाँ पे 180 पुट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका आर वेक्टर सॉरी आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा आपका ए स्क्वायर हो जाएगा बेटा आपका 4 का, मतलब आपका 16 प्लस आपका 9 माइनस साइन माइनस क्यों कॉस 180 की वैल्यू माइनस होती है माइनस 1 होती है, तो यह माइनस 1 हो जाएगा, तो ये आपका माइनस का 2 × 4 × 3 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब देखना आर बराबर आपका ये हो जाएगा 25
माइनस ये कितना हो जाएगा 12 24 ये आ जाएगा 24। ओहो हो आर इज इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा आपका 1 न्यूटन। तो ये देख जो आर मिनिमम निकाला अपन ने वो 1 आ रहा है, आर मिनिमम निकाला वो 1 आ रहा है, आर मिनिमम निकाला वो 1 आ रहा है। तो देखिए आपका जो आर मैक्सिमम की वैल्यू जो आई वो क्या आ गई बेटा आपकी 7 आ गई, और आर मिनिमम की वैल्यू आई जो आपकी 1 आई। मतलब आपका जो रिजल्टेंट होता है वो बेसिकली क्या हो सकता है, या तो वो 7 के बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है, या फिर वो 1 के बराबर हो सकता है या फिर उससे बड़ा हो सकता है। तो ये आपका कैसा जाएगा, अगर मैं 7 की बात करता हूँ या आपकी 1 की बात करता हूँ, यहाँ पे अपन लोग रिजल्टेंट ले लेते हैं, या तो वो 7 के बराबर हो सकता है ऐसा, और या फिर वो 1 के बराबर हो सकता है, या फिर वो 7 से छोटा हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा आपका 7 से छोटा हो सकता है और 1 के बराबर हो सकता है या फिर 1 के 1 से बड़ा हो सकता है। ये चीज समझ में आई, मतलब आपकी जो वैल्यू है ये जो आर है ये आपका 2 3 4 5 और 6 ये हो सकती है, या तो 1 हो सकती, या तो 7 हो सकती है या 1 हो सकती है, या फिर 2 3 4 5 6 इनके बीच में हो सकती है। मतलब 7 से ज्यादा नहीं हो सकता और 1 से कम नहीं हो सकता। ये चीज समझ में आई। अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिख लेता हूं तो कैसे लिखूंगा, ए प्लस आपका बी वेक्टर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ इस तरीके, या तो इसके बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे लिख लेते हैं ए माइनस ऑफ बी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए अब, ठीक है, या फिर वो इसके बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट लिख लेता हूँ, ये क्या हो सकता है, या तो ये आपका इससे छोटा हो सकता है, ये जो रिजल्टेंट आता है वो इससे छोटा हो सकता है या इसके बराबर हो सकता है, या फिर इससे बड़ा हो सकता है और इसके बराबर हो सकता है। ये कुछ इस तरीके से आपका क्या होता है, यहाँ पे वेक्टर जो होता है उसका एडिशन होता है पैरेललोग्राम लॉ से, वो क्या होता है आपका कंप्लीट होता है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं वो अपन लोग कर रहे होंगे, एक बार आप लोग इस चीज को नोट कर दीजिए और इसको समझने की कोशिश करना, कोई डाउट आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच।